हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और वेलकम है आपका मेरे चैनल नमस्ते टैकी पर। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा अपडेट्स कुछ टैक न्यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज ये है कि IQ00 Neo 6 की लॉन्चिंग डेट आ गई है, जो कि 31st में है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि ये फोन गेमर्स के लिए स्पेशली बना है, जिसमें है स्नैपड्रैगन 875G का प्रोसेसर, 64 MP का कैमरा, एयर कूलिंग सिस्टम, 80 वाट का फ्लैश चार्जर जो फोन को 12 मिनट में 50% तक चार्ज कर देगा, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, मतलब पबजी वालों के लिए तो ये वरदान है। देखने वाली बात ये होगी कि इसका प्राइस क्या होगा। नेक्स्ट इज पिक्सल का फोल्डेबल फोन फिर से आगे बढ़ गया है। एज पर दिस ट्वीट, पिक्सल फोन ने गूगल की एक्सपेक्टेशन को फिल नहीं किया, जिसकी वजह से ये फोन अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा है, शायद नेक्स्ट ईयर आ जाए। नेक्स्ट न्यूज एथर एनर्जी के बारे में है। एथर एनर्जी चेन्नई के शोरूम में कल आग लग गई। फिलहाल ये क्लियर नहीं हुआ कि आग क्यों लगी। एथर एनर्जी ने ऑफिशियली ट्वीट के जरिए ये बताया कि शोरूम में माइनर फायर इंसिडेंट हुआ है। साथ ही साथ एक पिक्चर और वायरल हो रही है, जहां एक एथर का स्कूटर बिल्कुल चल चुका है। हालांकि अभी ये ऑफिशियली क्लियर नहीं हुआ है कि असल में हुआ क्या, आग स्कूटर में लगी या कोई फायर इंसिडेंट हुआ। लेट्स वेट फॉर CCTV फुटेज फ्रॉम एथर एनर्जी। आई विश सब ठीक ही हो। आपका क्या कहना है एथर एनर्जी के फायर इंसिडेंट के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Another update is from Ola Scooter। जिनको वेट है MoveOS 2.0 का, उनके लिए है गुड न्यूज कि Ola Scooter फाइनली जून में सबको अपडेट देने वाला है। उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट करके ये इन्फॉर्मेशन दी। हो सकता है जिनके VCU में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको ये अपडेट OTA के थ्रू आएगी, और जिनके VCU में प्रॉब्लम है उनके लिए ये मैनुअली की जाएगी। बट फिलहाल तो अभी कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।